तुमने मेरे। तो आज मैं जा रही हूँ जश्न-ए-रेखता, दिल्ली में ही है, और अभी मैं हाफ ऑफ तैयार हुई हूँ, पूरी भी नहीं हुई हूँ, और पिंपल भी आ गया है क्योंकि सरप्राइज देने आते रहते हैं बीच में। सो स्वीट। ठीक तो लग रही हूँ, लेकिन ये बिन बुलाया जो मेहमान है ये थोड़ी सी खलल डाल रहा है मेरी खूबसूरती में। ठीक है, 50% वाली खूबसूरती में, ब्लड जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं वहाँ जाती हूँ और हेलो, हम पहुँच गए हैं और हम किसी गलत गेट पे चले गए थे। मैं हमेशा फर्स्ट टाइम में गलत जगह ही जाती हूँ, तो हमें गेट नंबर 3 से एंट्री करना था और अभी भी हमें बहुत सारा चलना है। वो हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर एयर, ओ माय गॉड, चल दफाओ। सो हम यहाँ आ गए हैं, अभी जो मेरे साथ आया हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। मैंने कहा, मतलब मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये बेसिकली मीना कुमारी के ऊपर है पूरा का पूरा शो, और इसमें मीना कुमारी के गाने भी गाते हैं और ये बहुत सही है। इसका नाम है महजबीन। और मैं कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ रही हूँ यहाँ, जो मुझे इंटरेस्ट, मुझे जिनमें इंटरेस्ट हो, बट ढूंढ रही हूँ मतलब, और अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। बट मुझे एक लौंडा दिखा था ऑटो में, मैं उसे फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, स्टॉक करती हूँ बेसिकली, मैं उसको ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसे आज स्टॉक कर पाऊँ, उसे बात कर पाऊँ अपनी। बहुत हॉट है, जाके चुम्मी दे दूँगी मैं किसी दिन से। ओके बाय। अभी यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं और मुझे निदा फाजली और इनमें से कुछ चाहिए। अभी ये अहमद तराज वाली किसने की है, इसका क्या रेट है? 170 रुपये की पड़ेगा। पर कैसी आदमी, अहमद फराज की बुक ली है, लेकिन मुझे जॉन एलिया चाहिए, तो जॉन एलिया मेरा फेवरेट है, मेरे फेवरेट है, वो बहुत अच्छा लिखते थे। बट मुझे नहीं, मेरे पास एक बुक है उनकी ऑलरेडी, लेकिन मुझे एक और चाहिए जो मैं ढूंढ रही हूँ, और लोग मुझे देख रहे हैं समझ रहे हैं पागल हूँ, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। जॉन एलिया की टी शर्ट लेने वाली थी, लेकिन वो 600 की है, और फिर मैंने सोचा कि मैं एक कैलेंडर लूँ, लेकिन उसमें खाली जॉन एलिया नहीं है, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए हाल इस टाइम पे, तो मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे जॉन एलिया चाहिए, माई लाइक हिम। अगर वो इस टाइम पे होते तो मेरा उनसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। आसमान पर चलना, अरे वाह, साथ में आसमान पर चलना, चल सितारों के जाल पर चलना, साथ में आसमान पर चलना। सुनिए, आपकी तालियां मिलेंगी तो अच्छा लगेगा, मुझे अभ्यास नहीं है। उस शहर का जिक्र इस नगमे में भी है, लेकिन अच्छे से है, सुनिएगा। के दिल बिना देवता की काशी है, आपकी वाह मिले। के दिल बिना देवता की काशी है, काशी में से शिव निकाल दो तो केवल शव रह जाए। तो अभी यहाँ आए हैं विभूति नारायण, हमारे जिनका नाम है
आशिफ शेख और भाभी जी घर पर रह जो आते हैं वो मेरे फेवरेट है। तिवारी जी से ज्यादा वो फनी भी है। मुझे एक माइक और दे दीजिए जल्दी से प्लीज। आप आए बैठे, मैं इंट्रोडक्शन। आसिफ आप इस तरफ आ जाए। आप सब बैठ जाए, आप सेटल डाउन कर जाए। आसिफ एजुकेशन दिल्ली से है और मैं यहाँ से 88-89 में दिल्ली छोड़ के चला गया था मुंबई। वहाँ मैंने स्ट्रगल किया जो कुछ थोड़ा मैं कर पाया। सो दिल्ली हमेशा मेरे लिए बड़ी अजीज रही है, दिल्ली के लोग। और टेल यू द ट्रूथ, जो आते मुझे दिल्ली में मज़ा आता है, जो वार्मथ, जो गर्माहट जो यहाँ मुझे मिलती है किसी शहर में नहीं। क्या बात। मुझे एक और बुक लेनी थी और मैंने ये लिया। कोशिश ये उल्टी आ रही होगी, मैं सीधी भी दिखाती हूँ। और ये मैंने सुबह ही सोचा था मुझको लेना है लेकिन मुझे मिली नहीं। मैं जितने भी बुक स्टॉल्स में गई। तो अब हम घर जा रहे हैं, अब खत्म। अब मैं शायद एक स्टैंड अप देखने जाऊँ, अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ जाकर दिखाती हूँ। बाय बाय। तो अब मैं, मेरा एक फ्रेंड है उसका एक ओपन माइक है कहीं पे, मैं वहाँ जा रही हूँ। और मैं अभी कड़कड़ुआ मेट्रो स्टेशन पहुँची हूँ और हॉट आदमी जा रहे हैं। फिर उस दिन मैं घुसा राजीव चौक में, मैं राजीव चौक में घुसा एकदम खचा खच भरा हुआ। मैं ऐसे खड़ा हूँ दो अंकलों के बीच में और मैं सो गया। मैं और फिर उठा, मैं हुडा सिटी सेंटर पे क्लीनर आया, भैया उठो 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 जाओ यहाँ से। मैंने कहा प्लीज मम्मी पंखा मत ऑफ करो ना, दो मिनट और उठे दा रहे हो। उठे ना, अपडेट करने के लिए फेसबुक इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरा एंड्रॉइड फोन तकरीबन से चार्ज हो जाता है। मतलब समझ रहे, मुझे एक ऐप डालने के लिए दूसरी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है। थोड़े दिनों पहले मैं रियलाइज की इंसान के अंदर खाने की भूख के अलावा भी काफी भूख थी, तो मैंने स्विगी अनइंस्टॉल कर दी एंड आई डाउनलोडेड टिंडर। टिंडर जो होता है, टिंडर आपकी औकात बताता है। तो आप मुझे नहीं दिख पा रहे होंगे और वो अच्छी बात है क्योंकि मैं इतनी कुछ खास लग भी नहीं रही हूँ। और अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, और खाने नहीं जा रहे हैं एक्चुअली हम, मुझे ग्रीन टी पीनी है। एंड आई विश मुझे वहाँ भेलपूरी मिल जाए क्योंकि मेरी डाइट के हिसाब से मुझे वही खाना है, यू नो, डाइट कॉन्शियस लोग। बाय। काफ़ी मस्त बनाया है इन्होंने, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आनंद विहार की साइड को ज़्यादा खुल सकता है, क्योंकि आनंद विहार की साइड मेरा स्कूल था जिससे मुझे खास कुछ प्यार है नहीं। बट ये जगह काफ़ी फैंसी है और काफ़ी सुंदर भी है यार। मैं यहीं आई हूँ ग्रीन टी पीने। टूडल्स। और यहाँ पे ये आया हुआ है, ये मुझे अवॉइड करना है और ये मुझे पीना है। ओ, मेरे फोन का कवर देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा, कोई बात। तो आई एम होम और मैं अब दिखाने वाली हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। बहुत बुरी लग रही हूँ ना, लाइट भी थोड़ी कम है क्योंकि। देखिए, अहमद फराज की ये मेरी गज़लें ये मेरे नगमे, और एक ही मुझे किसी ने कहा था कि तुम ये पढ़ना, तो इसलिए मैंने ये लिया। और मैंने एक और चीज़ ली है, दैट इज क्या करूँ।